अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कलर कार से वापसी पर हम ये उजाड़ सुनसान पहाड़ों पर घूम रहे हैं। असल में हम जा रहे हैं यहाँ पे खंडुआ लेक, जिसको स्वेक लेक भी बोलते हैं, और वहाँ पे जा रहे हैं। और इस लेक का रास्ता जो है तकरीबन ख़राब है, बाइक जो है ना बड़ी मुश्किल से सिंगल सवारी के साथ जा रही है। वसीम भाई अकेले चला रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ। खंडुआ विलेज तक तो ये रोड बिल्कुल ठीक है, उसके आगे सारा रोड टूटा हुआ है। और इसी तरह ही आपको यहाँ जीप में आना पड़ेगा या फिर पैदल आपको आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ के बड़े ही खूबसूरत मंजर हैं। अभी मैं लेक पर पहुँचा नहीं और पता नहीं लेक के कैसे मंजर होंगे, लेकिन यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बुलंदों वाला पहाड़ है, उनकी खूबसूरती और उनकी जो कटाई है वो कुदरती तौर पे, जो पत्थर कटे हुए हैं, पहाड़ कटे हुए हैं, वो जैसे आप वो टॉप पर देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, और पहाड़ों के मंजर तो हैरत में मुबतला करने वाले हैं। खेड़ा और कलर कहार के सफ़र में आज मेरा दूसरा दिन है। तो इससे कबल मैं खेड़ा की और कलर कहार की और दीगर श्री कटास राज मंदिर की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखें या डिस्क्रिप्शन में आप देखें। और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन मनाजर के साथ ख़तरनाक जगहों पर मैं आपको मज़ीद दिखा सकूं, मेरी हौसला सही हो सके और मैं आपको वीडियो इस तरह की दिखाता रहूं। अभी पीछे एक बुजुर्ग मिले थे, उनसे पूछा था, तकरीबन बता रहे थे कि बाइक पर 3-4 मिनट का रास्ता है और जबकि पैदल 10 मिनट का रास्ता है। अभी मुसलसल हम नीचे तराई की तरफ जा रहे हैं, तो जाके फिर आपको लेक के मैं भी मंजर देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। झील की तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत से कबल यहाँ पे एक पार्किंग है, हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल को पार्क किया। मोटरसाइकिल को पार्क करने के बाद आप नीचे जा रहे हैं पैदल। ये देखें, ये एक कोयले की खान भी है, इससे कोयला निकलता है जैसे ऊपर पड़ा हुआ है। दोस्तों मेरे रब के माशाल्लाह कमालात हैं, ये देखिए रब के कैसे कमालात, ऊपर इतना ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ये काफ़ी गहराई में एक कोयले की खान है, यहाँ से कोयला वगैरह जो है निकलता है। और कोयला ये सामने देख सकते हैं, यहाँ से निकाल के ये इस जगह पे ये कोयला रखते हैं, फिर यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाती हैं। चला जा रहा यहाँ से दोस्तों, हमारा हुआ स्टार्ट हाइकिंग का सफर। तकरीबन 3-4 बंदों से पूछ चुके हैं रास्ते का, झील का, तो तकरीबन हमें 10 मिनट बता रहे हैं और मुसलसल हम नीचे जा रहे हैं और ऊपर बारिश की गरज चमक बादलों की वो भी हमें डरा रही है कि कहीं वापसी पर हमारा रास्ता जो है दुश्वार ना हो जाए।
अभी मुसलसल हम ये छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ना जाने कब जाके हमें वो खंडवा लेक मिलेगी। देखिए हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट तो चलते चलते हो गए हैं, लेकिन अभी तक लेक के करीब तो आवाज आ रही है, शायद हम लेक के करीब पहुंच ही चुके हैं। रास्ता आप देख रहे हैं कितना खतरनाक है। झील के कुछ आसार तो हमें नजर आए, और अब इन झाड़ियों में से, खतरनाक झाड़ियों में से गुजरते हुए हम तकरीबन करीब करीब पहुंचने वाले हैं। ये ट्रैक बिल्कुल साथ साथ सारा ट्रैक बना हुआ है। ओहो माशाल्लाह, वो देखें सामने बिल्कुल नजर आ रहा है आपको, एक वाटरफॉल भी है बड़ी खूबसूरत, और वाटरफॉल के नीचे फिर वो लेक है, क्या बात है। आजा आजा, जी दोस्तों फाइनली खंडवा लेक पर, सवेक लेक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जैकट वाले भी हैं, मार्म से पहले कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसा दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि बारिश, बादल जो गरज रहे हैं, चमक रहे हैं, हमें डर है, तो वही काम हुआ है। अभी खंडवा लेक पर हम पहुंचे हैं, थोड़ी देर खड़े होंगे तो तेज बारिश आ चुकी है, जिसकी खंडवा लेक की और खंडवा लेक पर बारिश की वीडियो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी हम, मैं भी टोटल जाम देख चुका हूँ और वापसी जा रहे हैं, वापसी हमारे लिए बड़ी मुश्किल में होगी। वीडियो को मतलब अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।